हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 3, जिसमें हम एक्सरसाइज 3 का सेक्शन डी सॉल्व कर रहे हैं। सेक्शन बी सी और सारी चैप्टर 3 की एक्सरसाइजेस प्रीवियस वीडियोस में अपलोडेड है, आप वहां पर देख सकते हैं। आज मैं डायरेक्टली सेक्शन डी से स्टार्ट कर रही हूँ। जिनका एक डाउट भी आया था, अलवीना, उनका भी डाउट इसी में सॉल्व हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगी। अभी मैं 7 क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसका आंसर देखेंगे कैसे इसमें फाइंड किया जाता है। फर्स्ट मैं क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स ऑफ अ स्टेट। यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ अ स्टेट फॉर 4 कंसेक्यूटिव ईयर्स। 4 कंसेक्यूटिव ईयर्स मतलब कंटिन्यूसली 4 ईयर्स का यहाँ पर ग्रोथ रेट गिवन है। 2%, 2.5%, 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एवरेज ग्रोथ रेट यूजिंग एन अप्रोप्रिएट एवरेज। अब यहाँ पर एवरेज ग्रोथ रेट फाइंड करना है, वो भी अप्रोप्रिएट मेथड से, अप्रोप्रिएट एवरेज मेथड से। कौन सी मेथड हम परसेंटेज में यूज़ करते हैं? परसेंटेज के लिए मैंने आपको प्रीवियस भी समझाया था सारे वीडियोस में, ज्योमेट्रिक मीन की फॉर्मूला यूज़ होती है। अब सबसे पहले जब ये परसेंटेज में डेटा गिवन होता है, तब इसमें कैसे फाइंड किया जाता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले जब भी डेटा इस तरह परसेंटेज में गिवन हो, तो आपको इसमें 100 ऐड कर देना है और इसे सिंपल कंसेक्यूटिव नंबर्स में इसको चेंज करना है। फर्स्ट जैसे कि आपको 2 है, तो आपको x1 ले लेना है 100 प्लस 2, तो आपको 102 मिल जाएगा। उसके बाद x2 जो होगा, जो आप लेंगे 100 प्लस ये जो सेकेंड है इसके लिए 2.5, तो आपको मिलेगा 102.5। तो ये सारे वेरिएबल्स जो हम ज्योमेट्रिक मीन की फॉर्मूला में यूज़ करेंगे, x1, x2, x3, वो कुछ इस तरह से होंगे। x3 में 100 प्लस 3 करेंगे तो 103 यहाँ पर मिल जाएगा, और x4 जो है वो यहाँ पर 100 प्लस 4 करेंगे तो 104 मिलेगा। तो ये हमें x1, x2, x3, x4 मिल गए। अब ज्योमेट्रिक मीन की फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ी स्पेस यहाँ पर है, ओके, तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। देयरफॉर ज्योमेट्रिक मीन की फॉर्मूला है अंडर रूट में x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4। बस इनको अंडर रूट में डाल देना, और हमें यहाँ पर जितने वेरिएबल्स गिवन हो, यहाँ पर 4 है तो हमें यहाँ पर आउटर साइड में 4 दिखा देना है। मतलब आगे हम इसका स्क्वायर रूट कितने टाइम्स करेंगे वो इस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जल्दी से फाइंड कर लेते हैं, जी इज इक्वल टू 4 और अंडर रूट में इन सब का मल्टीप्लीकेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम 102 इंटू 102.5 इंटू 103 इंटू 104। तो ये हमने लिख दिया है। अब हम इसका आंसर फाइंड करेंगे। देयरफॉर जी इज इक्वल टू, पहले तो इन सभी का मल्टीप्लीकेशन लिख देना है। आप जल्दी से इन सब का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, क्या आंसर आता है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसका आंसर आएगा 1119939960। तो ये आपका आंसर आएगा, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका आंसर ये आएगा। थोड़ा लॉन्ग आता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि यहाँ पर 4 दिया है मतलब इसका रूट्स कितने टाइम करना है। तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, हमें 2 को बेस रखना है। 2 के टेबल में 4 देख लीजिए, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, मतलब 2 टाइम्स, तो आपको 2 टाइम्स इसका रूट करना होगा। तो आप यहाँ पर 2 रूट्स ऐसे दिखा सकते हैं कि आपको इसका 2 टाइम्स रूट करना है 1119939960 का। अब इसका 2 टाइम्स, तो आप एक बार रूट वाला बटन जो प्रेस करेंगे आपकी कैलसी में, तो आपका एक बार रूट हो जाएगा, उसका आंसर आएगा 1085 2.72। इस तरह से आपका आंसर आएगा। अभी एक रूट अगेन यहाँ पर रिमेनिंग है, तो इसे भी हम फिर से एक बार रूट करेंगे तो आंसर आएगा 102.87। तो ये जो आंसर आया है ये आपका
ज्योमेट्रिक मीन अभी पूरा कंप्लीट आपको नहीं मिला, इसके लिए आपको जैसे इन सभी को हमने 100 से ऐड किया है तो ये परसेंटेज में आंसर था ग्रोथ रेट, अब उसकी एवरेज जो आएगी वो भी परसेंटेज में आनी चाहिए, मतलब जो जी है ज्योमेट्रिक मीन का वो भी परसेंटेज में आना चाहिए। तो ये आंसर अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ है, अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेजेस में। तो वो करने के लिए जैसे सब वेरिएबल्स में 100 ऐड किया था तो इसमें 100 ऐड हुआ ही है, अब इसमें से 100 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आप यहाँ पर 102.87 में से 100 को माइनस कर दीजिए, तो माइनस करने पर जो आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा वो इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा 2.87%। तो ये जो है ये इसका कंप्लीट यहाँ पर आंसर मिला है। तो ये इस तरह से यहाँ पर आपको आंसर दिखा देना है जो आ गया ज्योमेट्रिक मीन क्वेश्चन 7 का। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करती हूँ। अगर सेक्शन डी, सेक्शन सी, सेक्शन बी किसी में भी आपको कोई डाउट्स आ रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए भी वीडियो अपलोड करूँगी उस सॉल्यूशन के साथ। अब मैं डायरेक्ट सेक्शन डी का क्वेश्चन 10 सॉल्व करा रही हूँ। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन 10 एक बार रीड कर लेते हैं, क्या है क्वेश्चन, ये सारा इरेज कर देती हूँ। उससे पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 रीड कर लेती हूँ। द मीन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय 34 बॉयज इन अ क्लास is 57, the mean of marks of all the 60 students of the class is 59, find the mean marks of scored by girls। तो यहाँ पर हमें जो डेटा गिवन है पहले वो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देती हूँ क्या क्या डेटा गिवन है। पहले एक क्लास में बॉयज़ हैं, बॉयज़ जो है वो 34 हैं और उन्होंने जो मार्क्स स्कोर किए हैं बॉयज़ ने वो मार्क्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं 57। अब यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स जो होते हैं गर्ल्स जो होती है वो यहाँ पर गिवन नहीं है, कितनी गर्ल्स है वो भी नहीं पता और जो मार्क्स गर्ल्स ने स्कोर किए हैं वो भी यहाँ पर नहीं दिखाए गए हैं। अब लास्ट में हमें दिया गया है मीन मार्क्स, यहाँ पर इन सब के टोटल मीन मार्क्स दिखाए गए हैं वो है 59। 59 जो है वो मीन मार्क्स हैं ऑल दो स्टूडेंट्स के, तो सारे स्टूडेंट्स के मीन मार्क्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब हमें फाइंड करना है कि यहाँ पर गर्ल्स कितनी और उन्होंने कितने मार्क्स स्कोर किए थे गर्ल्स ने, उनका मीन फाइंड करना है। और टोटल स्टूडेंट्स क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दिए गए कि 60 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 59 मीन मार्क्स स्कोर किए, एवरेज उनके मार्क्स 59 आए हैं, बॉयज़ 34 है, 57 मार्क्स थे, गर्ल्स दिखाई नहीं गई और मार्क्स भी दिखाए नहीं गए। तो हमें 60 स्टूडेंट्स, 34 बॉयज़, तो गर्ल्स हमें पता चल जाएगी, 60 माइनस 34 करेंगे तो हमें गर्ल्स मिल जाएगी, तो 60 माइनस 34 होता है 26। तो यहाँ पर 26 गर्ल्स मिल गई है कि गर्ल्स 26 है। अब हम फाइंड करते हैं गर्ल्स के मीन मार्क्स, तो इसमें हम कौन सी यहाँ पर मीन एवरेज फाइंड की फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो होगी कंबाइंड मीन की, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग हमें दिए गए वेरिएबल्स और टोटल का दिया गया है तो यहाँ पर कंबाइंड मीन की फॉर्मूला सूटेबल रहेगी। मैं आपको कंबाइंड मीन की फॉर्मूला यहाँ पर दिखा देती हूँ, जो होती है n1 × x1 बार प्लस n2 × x2 बार अपॉन n1 + n2। तो ये होती है यहाँ पर कंबाइंड मीन की फॉर्मूला, जिसमें हम यहाँ पर कंबाइंड मीन में 59 लिख सकते हैं जो हमें गिवन है। और यहाँ पर ये सारे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, ये सारा इरेज कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इसमें हम कौन कौन सी पुट आउट करेंगे। देखिए n1 और n2 जो है वो गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं यहाँ पर, और x1 बार x2 बार जो है वो उनके मीन मार्क्स जो उन्होंने स्कोर किए हैं। तो ये जो है कंबाइंड मीन यहाँ पर हमें फाइंड करके ही दिया गया है 59, तो ये है कंबाइंड मीन। अब n1 और n2 ये हमें मिल चुके हैं, ये है n1 नंबर ऑफ़ बॉयज़ और जो गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड की, ये n2 हो गया है। अब हमें x1 और x2 बार तो x1 बार भी मिला हुआ है, अब x2 बार जो है वो फाइंड करना है। तो अब इन सब में हम यहाँ पर ये फॉर्मूला में ये सारे वेरिएबल्स अप्लाई करेंगे और जल्दी से फाइंड करेंगे, तो मैं इसे इरेज कर रही हूँ।
तो फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पर पूरी फॉर्मूला लिख दी और जो वेरिएबल्स हमारे पास यहाँ पर हमें मिल चुके हैं वो मैंने लिख दिया। आप देख सकते हैं N1 जो है वो 34 बॉयज़ है, N2 26 गर्ल्स है जो हमने फाइंड कर ली, X1 बार 57 मार्क्स है जो बॉयज़ ने स्कोर किया, और X2 बार फाइंड करना है, और कंबाइंड मीन हमें 59 दिया गया है मार्क्स का। अब इसमें हम पुट कर देते हैं, पहले जो एक्स बार जो दिया गया है कंबाइंड मीन का 59 लिख दिया है, N1 इंटू X1 बार, तो ये X1 बार और ये N1 34 इंटू 57 प्लस N2 जो है 26 इंटू X2 बार, तो यहाँ पर जो हमें दिया नहीं गया और डिवाइड करना है N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 मतलब 34 प्लस 26, तो ये हो गया। अब हम इसे जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले 59 इज इक्वल टू 34 इंटू 57 करना है, 1938 इसका आंसर आएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा तो यहाँ पे सेम एज इट इज़ रहने देंगे। 34 प्लस 26 होता है 60, जो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स थे 60 स्टूडेंट्स, तो ये आ गया है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो मैं ये सारा पोर्शन यहाँ पर इरेज करी, इसका काम हो चुका है, अब हमें बस इसे सिंप्लीफाई करके आंसर लेके आना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो 60 मल्टीप्लिकेशन में है ये इस तरफ आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, यहाँ पर अभी ये डिवाइड में है तो इस तरफ मल्टीप्लाई में इसे लेकर आ जाते हैं, देयरफॉर 59 इंटू 60 हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू सेम यहाँ पर 1938 प्लस 26 एक्स टू बार। अब ये हमें इक्वेशन मिल चुकी है, अब इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 59 इंटू 60 होते हैं 3540 इज इक्वल टू अगेन सेम एज इट इज़ जो इक्वेशन है वो यहाँ पर लिख देनी है। अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पर ये हमें फाइंड करना है, तो इसे हम यहाँ पर इस तरफ ले आते हैं, 26 X2 बार इज इक्वल टू, अब ये इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3540 माइनस 1938, तो इस तरह से आपको ये मिल चुकी है इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, हमें पहले इसका सब्ट्रैक्शन कर लेना है, तब तक हम इसे एज इट इज़ यहाँ पर रखते जाएंगे। इसे सब्ट्रैक्ट करने पर आपको आंसर मिलेगा 1602, तो ये आंसर आपका आ गया है। अब 1602 में हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए X2 बार की, तो 26 जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इसे डिवाइड में कर देते हैं, X2 बार इज इक्वल टू 1062 डिवाइड बाई 26, 26 से डिवाइड करेंगे तो हमें X2 बार जो मीन मार्क्स है जो गर्ल्स ने स्कोर किए हैं वो मिल जाएंगे, डिवाइड करने पर आंसर आएगा 61.62, तो ये आ चुका है आंसर जो है X2 बार मीन मार्क्स स्कोर बाय गर्ल्स, जो यहाँ पर गर्ल्स थी 26, उन्होंने इतने मीन मार्क्स स्कोर किए हैं यहाँ पर इस क्लास की। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो चुका है, अब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो चुका है, 12 सॉल्व करवा रही हूँ, तो हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 12 जो क्वेश्चन है वो रीड कर लेती हूँ, 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 18 स्टूडेंट्स फेल्ड इन एग्जामिनेशन फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में जो 18 स्टूडेंट का ग्रुप था उसमें से 3 स्टूडेंट्स फेल हो गए थे, उसमें यहाँ पर गिवन है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 स्टूडेंट्स हु पास्ड आर एज फॉलो, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जिन्होंने इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम पास कर लिया था उनका यहाँ पर डेटा गिवन है, उनके मार्क्स गिवन है 15 स्टूडेंट्स के, और हमें यहाँ पर फाइंड करना है मीडियन मार्क्स ऑफ ऑल 18 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कहा गया है मीडियन मार्क्स फाइंड करने 18 स्टूडेंट्स के, बट जो मार्क्स जिन्होंने पास किए हैं वो डेटा हमें 15 स्टूडेंट्स का गिवन है, तो यहाँ पर हमारा एन जो है वो हमें 18 रखना होगा, क्योंकि हमें 18 स्टूडेंट्स का यहाँ पर मार्क्स का मीडियन फाइंड करने को कहा गया है, इससे एन 18 रहेगा, बट एन 18 जब होता है तब हमारे पास 18 वेरिएबल्स होने चाहिए, बट आप क्वेश्चन में काउंट कीजिए आपको 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए जिन्होंने एग्ज़ाम पास की थी, जो फेल स्टूडेंट्स थे उनके मार्क्स दिखाए नहीं गए हैं, तो यहाँ पर 15 दिए गए हैं। अब सबसे पहले जो 15
स्टूडेंट्स के 15 मार्क्स हमें अलग अलग दिखाए गए, 15 वेरिएबल्स हैं मार्क्स के, उन्हें आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के बाद ये 15 हुए और हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे जो 3 स्टूडेंट्स फेल हुए थे उनको स्टार्टिंग में, जिनके इससे भी कम मार्क्स आए होंगे इसलिए वो फेल हो गए। तो यहाँ पर आगे की साइड में हम X1, X2 और X3 अज्यूम करेंगे। ये वो 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम पास नहीं की है और 42 से भी कम मार्क्स होंगे इसलिए उन्हें आगे की तरफ यहाँ पर हमने दिखा दिया है। और उसके बाद सारे 1 by 1 हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए हैं। तो ये अब n = 18 बन चुके हैं, बिकॉज यहाँ पर अब काउंट कर सकते हैं, अगर इन तीनों को इंक्लूड करें तो 18 वेरिएबल्स हमारे पास हो गए। अब इसका मीडियन फाइंड करना इजी हो जाएगा। मीडियन फाइंड करना हो रॉ डेटा का तो उसकी सिंपल मेथड है m = n+1/2। तो यहाँ पर हमें ऑब्जर्वेशन मिलेगी, उससे हम देखेंगे कि कौन सा मीडियन है इसमें से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल n हमें लेना है 18 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, मतलब यहाँ पर 19/2 होता है। 19 को 2 से डिवाइड करने पर आंसर 9.5 मिलता है। तो 9.5 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हमें मिली है। जब भी आंसर पॉइंट में आए तो अब आप 9.5 ऑब्जर्वेशन यहाँ से कौन सी लेंगे, तो ये पॉइंट में आंसर आता है। तो इसे अगेन 9th और 10th को फिर से ऐड करके डिवाइड करना होता है, मतलब अगेन एक और फॉर्मूला आएगी, 9th ऑब्जर्वेशन प्लस 10th ऑब्जर्वेशन, मतलब इससे 0.5 आगे की, या तो 9th ऑब्जर्वेशन या 10th ऑब्जर्वेशन ऐड करके उसे अगेन आपको 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे काउंट कर लीजिए 9th और 10th ऑब्जर्वेशन कौन सी आ रही है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। तो ये जो 2 आई है ये 9th और 10th ऑब्जर्वेशन है, 53 एंड 55। तो मैं यहाँ पे बाकी सारा इरेज करके आपको आगे की मेथड एक्सप्लेन करती हूँ कि हम यहाँ पर मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं ये सारा इरेज कर रही हूँ, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर 53 एंड 55 नाइन्थ और टेंथ ऑब्जर्वेशन है जिसे ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं, इसका एडिशन आएगा 108, डिवाइड कर लेना है 2 से। तो 108 को 2 से डिवाइड करने पर आंसर आएगा 54 मार्क्स। तो ये आंसर आ गया है 54 मार्क्स। अब आप कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पर 54 दिया नहीं गया तो ये मीडियन कैसे हुआ इसका, बट यहाँ पर एवरेज 50% स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो 54 मार्क्स स्कोर हुए हैं। तो ये इसका सही आंसर है कि मीडियन जो है वो 54 मार्क्स का है जो हमने फाइंड कर लिया है। तो ये आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने 3 सम सॉल्व कराए, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 12। अगर आप में से किसी को भी डाउट्स रह रहे हो पूरे चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में जो मैंने अगर नहीं करवाया, तो आप मुझे किसी भी वीडियो पे कमेंट कर दीजिए कि आपका ये डाउट है, तो मैं जल्दी से जल्दी आपके डाउट पे वीडियो बना के अपलोड करूँगी। बिकॉज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक सम जल्दी से जल्दी सॉल्व करवा सकूँ। तो जैसे जैसे आपके कमेंट्स आएंगे मैं उसी पे वीडियोस आगे बनाती रहूँगी। तो आप कमेंट करिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।